टिक्का ऑर्डर किया था तो ये टिक्का रेडी हो गया है इन्होंने उसमें। इन्होंने कुछ खाने कुछ तो किसान किसान है। एंजॉय करें सर। थैंक यू लवली। थैंक यू। व्हाट इज दिस? ओके आई ट्राई यार। टू डे बाद आफ्टर टू डे आई गोइंग एंड आई परचेस यू। ओके इन्होंने थैंक यू सर। टेस्टी चीज है कि अभी तक मेरे मुंह से उसका जायका नहीं जा रहा। टेलीफोन बहुत आवाज आ रही है। हेलो सोहन अलवार सैम टू सैम बट दिस इज देसी घी। घी यू नॉट नाउ घी नो सो ब्यूटीफुल। ये लेके जाएगा पाकिस्तान। अभी उर्दू में बता था इंग्लिश नहीं आता। ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज। सलाम बेटा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैर और आफिया से होंगे। व्यूअर्स मैं अभी आप दोस्तों को लेके आऊँ तेहरान की नाइट लाइफ में। नाइट लाइफ में सबसे पहले हम तेहरान की फूड स्ट्रीट है उसको विजिट करेंगे जो डाउन टाउन के अंदर है। इस तरह की फूड स्ट्रीट बहुत है मगर ये वाली जो फूड स्ट्रीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत फेमस फूड स्ट्रीट है और ये इमाम खानी रेलवे स्टेशन के साथ ही है। तो चले इस फूड स्ट्रीट का मैं आपको विजिट कराता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह नाइट लाइफ में और हमें क्या देखने को मिलता है वो भी देखते हैं। चलो तो इसको एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह यार यकीन जाने ना मैं बोलता हूँ कि मैं आके हैरान हो गया खुद क्या उन्होंने स्ट्रीट बनाई है फूड स्ट्रीट। आप दोस्तों ने पाकिस्तान की भी देखी होंगी और अब ईरान की भी देख लें। आप देखें माशाल्लाह ये टिक्के और कबाब पूरे पूरे मुर्गियां फ्राई हो रही है उसके साथ अभी आगे बढ़ते जाए। माशाल्लाह सो नाइस सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह। सलाम माशाल्लाह ये देखें सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। ये ईरान की फूड स्ट्रीट है ओनली फूड स्ट्रीट। यहाँ पे आपको ज्यादातर खाने पीने की चीजें माशाल्लाह मिलेंगी तो ये एंजॉय करें सर। थैंक यू सर। थैंक यू लवली। तो माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल यकीन जाने मैंने सिक्योरिटी वालों से पूछा क्योंकि ईरान के अंदर काफी ऐसी जगह है जहाँ पर वीडियो बनाना अलो नहीं होता है। कैन आई ट्राई? थैंक यू। व्हाट इज दिस? ओके आई ट्राई यार। माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। टू डे बाद आफ्टर टू डे आई गोइंग एंड आई परचेस यू। ओके यू नो मैन थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्रिया यार। ये आंटी ने खिलाया मुझे बड़ी कमाल की चीज है यकीन जाने ना। ये देखें कबाब शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह। चेक करें आप सिर्फ माशाल्लाह क्या बताऊं आपको यार। ईरानी तो वैसे ही खाने पीने के नहीं यार शौकीन होते हैं यकीन करें ना। इनको गवर्नमेंट ने माहौल बना के दिया है। अभी जो चीज मैं खा रहा हूँ ना माशाल्लाह इतनी टेस्टी चीज है कि अभी तक मेरे मुंह से उसका जायका नहीं जा रहा। सो ब्यूटीफुल यार। ये बच्चों के खेलने की कुछ चीजें पड़ी हुई है जो ऊपर की अवेयरनेस देखें यहाँ फैमिली देखें माशाल्लाह आती है एंजॉय करती है यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बात मैंने जो नोट की है ना इनकी आपस में मोहब्बत है। यकीन जाने कि ये इंसान को इंसान समझते हैं। ये आपको इतना प्यार मोहब्बत देते हैं। ये देखे फालूदा तैयार हो रहा है। दिस इज फालूदा फुतो फुतो 500 है ये जो 500 है। ओके ये देखे चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। सलाम ये शेद पड़ा हुआ है माशाल्लाह। सलाम वालेकुम सलाम सलाम पाकिस्तान। ये बच्चों के कुछ शर्ट वगैरह कुछ बड़ों के भी पड़ी हुए तो यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और लेवन के रेट लगे हुए हैं माशाल्लाह सबके। तो ये ड्राई फ्रूट आ गया ये टेलीफोन बहुत ये देखें चलता है या नहीं चलता ये मैंने बहुत पहले सुना हुआ था। चलते हैं इसके अंदर। हेलो आवाज आ रही है? हेलो आ रही है हाँ अभी कट गई। ओके ओके खुदा हाफिज़।
तो इसमें आवाज आ रही थी फिर कट गई थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है खुदा हाफिज़, स्टैम्प जाया नहीं करते। यू लाइक दिस? ओके, तो ये देखें ड्राई फ्रूट, ईरानी चॉकलेट, थैंक यू। ये चीनी पड़ा हुआ है सामने ना, ये ईरान का चीनी है, ये इसमें टॉफी में होता है, डायरेक्ट उसमें डालते हैं कप के अंदर, थोड़ा आप हिला के खाते हैं। ये बड़े खजूर पड़ी है इनकी ईरान की, देखें माशाल्लाह। ये तूत पड़े हुए थे तो बहुत तूत नजर आए थे मुझे रास्तों में गिरे हुए, पिस्ता, बादाम, अखरोट, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीजें। बाद में आता हूँ इनसे रेट लेता हूँ, इनसे पता तो पड़ेगा कितने का किलो है। हाउ मैनी केजी? केजी 2000? ओके, 2000 पता नहीं यार, रियाल बता रहा था, धर्म बता रहा था, बारह चले आते हैं। तो ये शेर थे, कुछ फैमिली से ले रही है, चलते हैं इसको छोड़ते हैं आगे। तो माशाल्लाह फिर ये दोबारा से फूड स्ट्रीट स्टार्ट हो गई माशाल्लाह यहाँ की। ये देखें ये कश्मीर और इस तरह की चीजें जो है ना, इन्होंने इसको ढक के रखा हुआ है ताकि कोई मक्खी, तो वैसे इधर नहीं है मगर उसके बावजूद भी इन्होंने सलाम इसको संभाल के रखा हुआ है। ये माशाल्लाह देखें ये ड्राई फ्रूट नहीं यार, ये कुछ नमकीन आइटम लग रहे हैं। हाँ नमकीन आइटम है कुछ, जैसे हमारे यहाँ खुले मिलते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, चिप्स वगैरह इस तरह की चीजें। सलाम सर, कैन आई ट्राई? यार चिप्स तो बड़ी मजेदार है, यकीन जाने बात छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी जायका है पाकिस्तानी। ये खट्टा मीठा है वो सही। इस तरह से देखें ये पूरे फूड स्ट्रीट के माशाल्लाह यार, ये पिज्जे बन रहे हैं, आई थिंक पिज्जे नहीं यार स्वीट के आइटम है। ये आंटी ट्राई करेगी, ट्राई, थैंक यू। ये स्वीट सोहान सोहान, ये जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर सोन हलवा होता है ना, ये सोन हलवा है, इसको सोहान कह रहे हैं, मगर ये सोन हलवे की तरह है, बिल्कुल का ट्रेस उसी है। ये लेके जाएगा पाकिस्तान, अभी उर्दू में बता था, इंग्लिश नहीं आता। ओके थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो ये बड़े कमाल की चीज है यार, ये तो लेके जानी चाहिए घर। सलाम बेटा, थैंक यू। ये बच्चे खेल रहे हैं इधर, देखें माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके जिंदाबाद। पहले इन्होंने औजार तैयार करके रखे हुए हैं, अगर किसी को चाहिए तो फोन करके बता दो, मैं लेके आऊँगा। ये देखें माशाल्लाह, और ये माहौल देखें यार माशाल्लाह, यकीन जाने ना इतना हाउस क्लास उन्होंने बनाया, ऊपर पूरा इसके छत डाला हुआ है, उसके ऊपर ये झालर लगाई हुई शापर की खूबसूरती के लिए, और नीचे सफाई देखें, इतना खाने पीने का चीज़ है और सफाई तो देखें आप लोग। फिर आप नहीं कहना यार यहाँ पे कचरा होता है, कचरा नहीं होता है बेटा यहाँ पर, ये पाकिस्तान नहीं है, ये ईरान है। हाय बेबी, हेलो। तो ये देखें माशाल्लाह, हर तरफ आपको माहौल मिलेगा। सलाम सर, सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखें माशाल्लाह यार, तरह तरह के आइटम देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह। जस्ट वन, कैन आई ट्राई? थैंक यू। पाकिस्तान अल थंजा, पंजा का रोमन तो जन्म दिया। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लाले भी घूम रहे हैं यहाँ पर, मौजे कर रहे हैं भाई ईरान के अंदर। सलाम सर, ये देखें माशाल्लाह, अभी एक साइड में जा रहे हैं फिर दूसरी साइड में आते हैं। ये आइसक्रीम, आइसक्रीम पे तो टूटे हुए हैं, आइसक्रीम के बड़े शौकीन है यार ये तो माशाल्लाह। साथ में बिस्किट ट्राई करा रहे हैं, बिस्किट ट्राई करते हैं, देखें यहाँ पर बिस्मिल्लाह, फेरी में तो नहीं कर रहे ना। ये खा के देखते हैं ईरान का बिस्किट, मेरे ख्याल में ऐसे खाते खाते पेट भर जाएगा, कुछ खाना नहीं पड़ेगा अपन को। बड़ा बिस्किट बड़े टेस्टी है, यकीन जाने में बात छोड़ दो, मैं खुद बेकर हूँ मगर मुझे पता है कि उनमें इसमें बहुत फर्क है। ये देखें वैरायटी बेकर की, ये फैमिली से देखें माशाल्लाह। ये फिर आगे भाई आपके कबाब टिक्के माशाल्लाह,
ये तैयार हो रहे हैं तका तक। यस आई ट्राई, ये दे रहे ट्राई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सो गुड। एक और दे दो। अफगानिस्तान अफगानिस्तान Where are you from? Pakistan. Yeah, there you go. Thank you. बहुत बहुत ये देखें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा एक और खिलाओ, नहीं खिलाया, मैंने कहा दूसरे के पैसे दे दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है पैसे दे दो। सलाम सर। तो ये देखें पूरे फूड स्ट्रीक है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ये भी कोई कबाब शबाब पक रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह। हाँ यहाँ पर भी कबाब और टिक्का इस तरह बोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें माशाल्लाह। अब ये देखें फूल रखे हुए माशाल्लाह, इन्होंने काफ़ी सारे मैंने देखा है ईरानी जो है ना फूल लेके जाते हैं अपने घरों के अंदर माशाल्लाह। तो इन्होंने ये रखे हुए यहाँ, तो इन्होंने फाल सैर के लिए रखे हुए, यहाँ सिर्फ खूबसूरती के लिए रखे हुए। मुझे लगता है खूबसूरती के लिए फाल सैर के लिए होते तो यहाँ पर कोई ना कोई होता। यार ईरानी जो है ना लाइफ को इंजॉय करते हैं, यकीन जाने ना। मैं तो पहले ही एक चीज़ नोट कर चुका हूँ कि ये खाने पीने के तो बहुत शौकीन है, और खाने भी इतने टेस्टी खाने खाते हैं ना, ज़्यादा केमिकल वाले नहीं होते, और उसके अंदर ज़्यादा कोई मिर्ची वगैरह नमक भी नहीं होता है, सिर्फ सैंपल से खाने खाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टेस्टी खाने होते हैं इनके माशाल्लाह, बड़े मज़ेदार होते हैं। और मुझे तो बड़ा ही माशाल्लाह मज़ा आ गया यहाँ विज़िट करके ना। और मुझे उम्मीद है अगर आप दोस्त भी मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप दोस्तों को इस तरह के व्लॉग देखने को पसंद आते हैं, अगर इस तरह के व्लॉग आप दोस्तों को मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला मैं जहाँ जहाँ ट्रैवलिंग करता रहूँगा तो वहाँ की आपको रस्म रवाज और वहाँ के खाने और वहाँ के जो भी कल्चर है वो आप दोस्तों को जितना मैं दिखा सका तो इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। तो आप दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें जिन दोस्तों ने नहीं किया है। तो इंशाल्लाह ये ईरान की हम फूड स्ट्रीक के अंदर घूम रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फूड स्ट्रीक ये बनी हुई है। No. سس اینو خیلی بده سره، خیلی بده. نه آره Excuse me.
मेरा घर है। आपके भाई ने टिक्का ऑर्डर किया था तो ये टिक्का रेडी हो गया है। इन्होंने उसमें टांग में से लेग पीस में से यानी कि हड्डी पूरी निकाल के सिर्फ रोटी तैयार करके दी है, साथ में इतनी बढ़िया ब्रेड दी है, एक केचप दिया है और ये आई थिंक कोई 1,50,000 रुपये इन्होंने बताया इसके मुझे, पाकिस्तानी कोई बनते हैं आई थिंक 900 के करीब। फूड स्टिक से पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल में, तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने व्लॉग बनाया था फूड स्टिक वाला तो वो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंशा अल्लाह इसी तरह से आपको जब तक मैं ईरान के अंदर तो इसी तरह के ब्यूटीफुल व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने दोस्त जाहिद बुज़दार को तेहरान ईरान से इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।